हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आजकल काफी न्यूज में है, हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। आज के इस सेशन में मैं आपसे बताऊंगा कि हिजाब को लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या इसके पहनने के पक्ष में तर्क आ रहे हैं, क्या इसके विपक्ष में तर्क आ रहे हैं और एक्चुअल में जो इसका समाधान है वो कैसे होना चाहिए। इन सब तमाम बातों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट डिस्कशन को स्टार्ट है वो किया जाता है। और दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इश्यू है क्या। देखो, न्यूज पे काफी टाइम से चल रहा है लेकिन आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि इश्यू है क्या, एक बार फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, हिजाब का इशू है वो कर्नाटका से स्टार्ट होता है। रिसेंटली हिजाब है उसका इशू ये स्टार्ट होता है कि कर्नाटका के अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब है उसको अलाउ नहीं किया जाता। यानी कुछ लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल आती हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि हिजाब अलाउ नहीं है। तो सारा इशू वहीं से शुरू हो जाता है कि भाई हिजाब एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क आने शुरू हो जाते हैं। अभी दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि भैया हम पहले सुनवाई नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट के पास जाओ और जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और उससे आप खुश हो नहीं हो, इसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप करने से मना किया। और आज दोस्तों हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट इसके बारे में बताने वाला है, वर्डिक्ट आने वाला है कर्नाटका कोर्ट का कि हिजाब को पहनना अलाउ है नहीं है स्कूल या कॉलेज में, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो वो हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हिजाब को पहनने के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं कि हिजाब स्कूल कॉलेज में अलाउ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर वन जो तर्क यहां पर आता है वो आता है राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर किसी पर्सन को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, वो उस धर्म की जो भी प्रैक्टिस है उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस्लाम में हिजाब को अलाउ किया गया है तो कोई भी पर्सन इस्लाम के तहत क्या है, हिजाब को पहन सकता है। और दूसरा दोस्तों पक्ष में तरक्की आता है कि भाई अगर देखा जाए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या हिजाब इंपॉर्टेंट है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल हम बात करें तो हमारे देश के लिए वुमेन एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हिजाब का इश्यू। तो हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, हमें बच्चों को स्कूल या कॉलेज में जाने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि हिजाब एक सिक्योरिटी थ्रेट है क्या। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हिजाब पहनने से कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है क्योंकि हिजाब क्या है, चेहरे के अलावा बाकी सभी पहना जाता है तो वो लाइक बुरका नहीं है। बुरका क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट माना गया है तो इसको अलाउ करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगली एक चीज और है इंडिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव कि इंडिया जैसे देश में दोस्तों माइनॉरिटी के राइट का अगर प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है ना तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को काफी वो एक तरीके से बेइज्जती फील करनी पड़ती है। तो इंडिया में इस्लाम माइनॉरिटी में है और इसलिए हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इसके पक्ष में तर्क है कि भैया हिजाब को क्यों पहनना चाहिए, जैसा मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों बहुत से पर्सन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, उनका ऐसा कहना है कि नहीं भैया हिजाब को स्कूल में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों नंबर वन जो तर्क यहां पर आता है इसके विपक्ष में वो यही आता है कि भैया आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी हमारे फंडामेंटल राइट का एब्सोल्यूट कहीं भी नहीं है, उनका किसी हद तक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर उनका वॉयलेशन हो सकता है, या थोड़े दूसरे शब्दों में बोलूं कि पब्लिक ऑर्डर के लिए फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट आता है वो आता है आर्टिकल 28 का फर्स्ट पार्ट, यानी आर्टिकल 28 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये कहता है कि स्टेट के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको अगर सरकार फंडिंग दे रही है ना तो वो इंस्टीट्यूट किसी भी धर्म की संस्था किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। और यहां पर जो स्कूल है वो सरकार से कोई ना कोई हेल्प ले रही है, कोई ना कोई उसको फंडिंग मिल रही है, तो किसी एक धर्म की प्रैक्टिस को अलाउ करना और बाकी को अलाउ नहीं करना ये गलत है। या तो सभी को अलाउ करो या सभी को अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सेक्युलरिज्म का। दूसरा सेक्युलरिज्म का पॉइंट ये है कि एजुकेशन और रिलीजन दोनों अलग चीजें, इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल और कॉलेज है ना वो एजुकेशन के लिए बनी है और वहां पे अगर आप रिलीजन का यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वहां पर हमें रिलीजियस प्रैक्टिस को साइड में ही रखना चाहिए ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस है वो बना रहे। अगला पॉइंट ये है कि सबसे अहम चीज हमें ये जानने की जरूरी है कि इस्लाम में हिजाब है वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, क्योंकि देखो अभी तक इंडिया में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि हिजाब है वो इस्लाम धर्म की एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। जैसे कि दोस्तों पगड़ी है सरदार में, तो सरदारों में जो पगड़ी पहनी जाती है सिख धर्म में वो बेसिकली उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है।
यानी वो उनके रिलीजन से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर हिजाब है वो इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो या तो ये चीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि भैया रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर इस्लाम के तहत हिजाब को रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाता है तब तो हिजाब को अलाउ कर देना चाहिए, एल्स वो नहीं करना चाहिए। और एक सबसे अहम चीज कि स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट है वहां पर कर्नाटका का एक रूल बना है, कर्नाटका सरकार ने एक एजुकेशन एक्ट है 1983 वाला कर्नाटका का, उसमें ये प्रोविजन किया है कि भैया स्कूल की यूनिफॉर्म है वो मैंडेटरी है, स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वो होना चाहिए, वहां पर रिलीजियस वगैरह को फोकस नहीं करना है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे खास चीज की, वो ये है कि इससे पहले भी 2018 में केरला में ऐसा इशू हुआ था, तो केरला हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि इंडिविजुअल पर्सन के राइट है ना, उसकी बजाय अगर हम बात करें तो स्कूल का ड्रेस कोड मैंडेटरी है, यानी स्कूल के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन के अगर राइट की बात करने लगोगे तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर उन सबके इंडिविजुअल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करने लगोगे तो स्कूल के फिर सिस्टम ही बदल जाएगा ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और है दोस्तों, वो ये है कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में हिजाब है उसको अलाउ नहीं किया गया है, तो इंडिया को भी प्रोग्रेसिव तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, ये इसके राइटर नहीं, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन या हम बात करें लोगों का ऐसा तर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक पॉइंट और है, वो ये है कि दोस्तों जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर महिलाओं के द्वारा इसको काफी जगह विरोध किया गया है, अगर हम बात करें ईरान वगैरह की वहां पर, कि हिजाब अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि उनसे उनको महिलाओं को दिक्कत होती है, तो फिर इंडिया में अलाउ करने की बात कहाँ से आ गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कई पॉइंट्स ऐसे आए हैं कि भैया बाकी अदर कंट्रीज हैं इस्लामिक वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका हिजाब है इसको बैन किया जाए क्योंकि इससे वुमेन की फ्रीडम है वो कहने की वॉयलेट हो रही है, तो हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, देखो अभी तक का जो मैटर है उसके हिसाब से दोस्तों मैटर ये है कि इसका सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, यानी आज कर्नाटक हाईकोर्ट अपना डिसीजन दे देगा लेकिन फिर भी मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा सोल्यूशन लेके आना चाहिए ताकि आगे भी इस टाइप के इश्यूज नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि हिजाब है वो क्या इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो समस्या आएगी ही नहीं। और अगली चीज यह है कि अगर ये रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाती है कि हिजाब वहां पे अलाउ है रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो कॉमन सी बात है बाकी धर्मों में फिर आवाज उठेगी, तो वो बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। यानी देखा जाए तो ओवरऑल दोस्तों सारा का सारा जो मैटर है ये आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे डिपेंड है, हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा लेकिन फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया में, ये तय है। तो सुप्रीम कोर्ट जो इस पे डिसीजन देगा उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर काम होने वाला है। और एक चीज ये है कि जो भी रिलीजन है ना दोस्तों इसको हमें एजुकेशन से दूर रखने में भलाई है, यानी स्कूल एक एजुकेशन, एक अच्छी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए बने हैं, वहां पे हमें रिलीजन को साइड में रख के ही काम है वो करना चाहिए, और साइंटिफिक टेम्पर है हमें, लॉजिकल थिंकिंग है, इन पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम ऐसे रिग्रेसिव आइडिया की तरफ आज हम फोकस कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, तो ऐसे सोसाइटी के अंदर आज की इस एरिया में अगर हम वुमेन पे लिमिट लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वुमेन को आगे जाने से रोकने इक्वली है, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, हिजाब इंडिया में अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।